हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे की जाती है, इनके स्ट्रक्चर्स पर हम चर्चा करेंगे कि इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, प्लीज़ वॉच द वीडियो टिल द एंड। स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिन सेंटेंसेस में किसी को कोई ऑर्डर दिया जाता है या किसी से रिक्वेस्ट की जाती है या किसी को कोई एडवाइस की जाती है। मतलब कि वे वाक्य जिनमें आदेश दिया जाता है या प्रार्थना की जाती है या सलाह दी जाती है, इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंस को सिंपल भाषा में हम ऑर्डर सेंटेंस भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में किस तरह से फॉर्म किया जाता है, इन सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिएगा, इम्पेरेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, वे वाक्य जिनमें हम किसी को कोई आदेश देते हैं, कोई कमांड देते हैं, उन सेंटेंसेस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, जिन वाक्यों में हम आदेश देते हैं या ऑर्डर देते हैं, कमांड देते हैं, उन सेंटेंसेस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। और वर्ब के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर कोई एडवर्ब आ सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट और एडवर्ब कोई भी नहीं आया हुआ है, सीधा सेंटेंस बन सकता है, वर्ब से स्टार्ट कर सकते हैं हम। जैसे सिंपल हमने बोल दिया कि गो, गो का मतलब जाओ, जैसे कम, आओ, तो सेंटेंस में ना कोई ऑब्जेक्ट आया है ना ही कोई एडवर्ब आई है। सो स्टूडेंट्स, जैसे देखिएगा, ओपन द डोर, ओपन द डोर, यहाँ पर ओपन एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को स्टार्ट किया गया है। इसका मतलब दरवाज़ा खोलो, ओपन द डोर, आदेश दिया जा रहा है, कमांड दी जा रही है, ओपन द डोर मीन्स दरवाज़ा खोलो। शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। डू योर वर्क, अपना काम करो, यहाँ पर डू भी एक वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, शट भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। मतलब कि आप समझ रहे होंगे कि सेंटेंस को जब हम आदेश देते हैं किसी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट किया जाता है और ये वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज़ तेज करो। टर्न द वॉल्यूम अप, आवाज़ तेज करो। अगर हमें बोलना है कि आवाज़ कम करो, तो यहाँ पे अप की जगह डाउन हो जाएगा, टर्न द वॉल्यूम डाउन, आवाज़ कम करो। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन का मतलब होता है चलाओ, पंखा चलाओ, स्विच ऑन द फैन। अगर हमें बोलना है कि पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, यहाँ पर ऑन की जगह ऑफ हो जाएगा, स्विच ऑफ द फैन, पंखा बंद कर दो। ये सब आदेश दिए जा रहे हैं, कमांड दी जा रही है, किसी को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, तो इन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करके इन सेंटेंस को बनाते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। कंप्लीट योर होमवर्क, कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो, कंप्लीट योर होमवर्क, यहाँ पर कंप्लीट एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। गो देयर, वहाँ जाओ। देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर गो एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद एक एडवर्ब आई हुई है, गो देयर, वहाँ जाओ। कम हीयर, यहाँ पर हीयर भी एक एडवर्ब है, कम हीयर, यहाँ आओ। टेक ऑफ योर शूज, टेक ऑफ योर शूज, स्टूडेंट्स टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, टेक ऑफ योर शूज, अपने जूते उतारो। शो मी योर टीथ, मुझे अपने दांत दिखाओ या अपने दांत मुझे दिखाओ, यहाँ पर शो एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो स्टूडेंट्स, हम जान पा रहे हैं, हम सीख पा रहे हैं कि इन सेंटेंसेस की शुरुआत हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से करनी है। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा आता है जो नेगेटिव फॉर्मेशन होती है। नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन करने के लिए हमें शुरुआत में डोंट लगाना पड़ेगा, डोंट, डोंट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद आगे की फॉर्मेशन जैसे हम पहले से करते आए हैं, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या दोनों भी हो सकता है या दोनों नहीं भी हो सकते हैं। सो डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिएगा इसका सेंस कैसे निकलेगा, जब हम किसी को कोई आई मीन ऑर्डर दे रहे हैं, कोई आदेश दे रहे हैं और हम उसको किसी काम को करने से मना कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट से स्टार्ट किया, उसके बाद में वी वन लगाया, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट लगाया, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, यहाँ पे स्टूडेंट्स डोंट आएगा शुरुआत में। उसके बाद देखिएगा डोंट टीज अदर्स, टीज का मतलब होता है चिढ़ाना, चिढ़ाना किसी को या परेशान करना, दूसरों को परेशान मत करो या दूसरों को मत चिढ़ाओ, डोंट टीज अदर्स। डोंट स्मोक,
धूम्रपान मत करो। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे जिन वाक्यों में हम किसी को किसी एक्शन को करने से मना करते हैं, उन सेंटेंसेस में हम डोंट से उन सेंटेंसेस को बनाते हैं, डोंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिएगा, डोंट सिट हीयर, डोंट सिट हीयर, यहाँ मत बैठो, डोंट रन फास्ट, तेज मत दौड़ो, डोंट वरी, चिंता मत करो, डोंट ट्राई टू डिसीव मी, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, डोंट ट्राई टू डिसीव मी इसका मतलब है मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू डिसीव मी। स्टूडेंट्स, उसके बाद हम रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस देखते हैं, जिन सेंटेंसेस में हम प्रार्थना करते हैं किसी से या रिक्वेस्ट करते हैं, उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है, आइए देखते हैं। सो उन सेंटेंसेस की फॉर्मेशन प्लीज़ या काइंडली से शुरू करके की जाती है। प्लीज़ या काइंडली से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में वी वन लगाएंगे, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद की फॉर्मेशन हम करते हैं। या नेगेटिव अगर फॉर्मेशन है, सेंटेंस नेगेटिव है और हमें उसमें रिक्वेस्ट करनी है किसी से, तो शुरुआत में प्लीज़ या काइंडली और फिर उसके बाद डोंट प्लस वी वन लगाएंगे और उसके बाद जो भी सेंटेंस में आया हुआ वो लिख देते हैं। स्टूडेंट देखिएगा, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो, प्लीज़ हेल्प मी। देखिएगा, बोलचाल की भाषा में प्लीज़ और लिखने में काइंडली का इस्तेमाल अच्छा माना जाता है। सो प्लीज़ हेल्प मी, हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, काइंडली हेल्प मी, ये भी सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा। प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करो, कृपया मेरी सहायता करो। प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग, कृपया मुझे गलत मत समझो, कृपया मुझे गलत मत समझो, प्लीज़ डोंट गेट मी रॉन्ग। काइंडली गो देयर, कृपया वहाँ जाइए। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। प्लीज़ डू, देखिएगा जब हम रिक्वेस्ट करने वाले सेंटेंसेस में थोड़ा सा रिक्वेस्ट को और हम पोलाइटली करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिक्वेस्ट पे और जोर डालना चाहते हैं, तो सेंटेंस में प्लीज़ के साथ में डू का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद वी वन को लिख लेते हैं, उसके बाद की फॉर्मेशन कर लेते हैं फिर वी वन के बाद जो भी आया हुआ है। जैसे प्लीज़ हम नॉर्मली बोलते हैं कि कृपया कोशिश करो, सो बोलेंगे प्लीज़ ट्राई, लेकिन हमें थोड़ा सा इस बात पे जोर डालना है, इस रिक्वेस्ट को थोड़ा सा और इम्प्रेसिव बनाना है, स्ट्रेस डालना है रिक्वेस्ट पे, तो बोलेंगे प्लीज़ डू ट्राई। प्लीज़ डू ट्राई का मतलब है कोशिश करो तो सही, या ज़रा कोशिश करो। अब आप इसको अपने तरीके से समझ सकते हैं, प्लीज़ डू मोर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। डू हम जब वर्ब से पहले इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है कि हम थोड़ा सा अपनी बात पे जोर डाल रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सेंटेंस में, तो रिक्वेस्ट पर जोर डाल रहे हैं, इसका मतलब है ज़रा कोशिश करो तो सही, या कोशिश करिए तो सही। प्लीज़ डू कम हीयर, यहाँ आइए तो सही, या ज़रा यहाँ आइए। प्लीज़ डू मीट मी टुमारो, ज़रा मुझसे कल मिलो तो सही, ये कल मुझसे मिलो तो सही यार, हम ऐसे बोल सकते हैं। प्लीज़ डू सिट डाउन, बैठो तो सही, ये ज़रा बैठो तो, ये होता है प्लीज़ डू का यूज़। स्टूडेंट्स उसके बाद देखिएगा, स्टूडेंट्स कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनकी शुरुआत ऑलवेज या नेवर से करते हैं। ऑलवेज या नेवर से शुरुआत हम तब करते हैं जब हम अक्सर किसी को कोई सलाह देते हैं, इनके बाद वी वन का प्रयोग करते हैं। ऑलवेज या नेवर के बाद वी वन का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद में सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया जाता है, और एडवर्ब होती है तो एडवर्ब लिख दिया जाता है, और दोनों नहीं होते तो दोनों नहीं लिखे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो। यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं, सदा सत्य बोलने की सलाह दे रहे हैं सेंटेंस में, और इसमें हम अपने बड़ों का सम्मान करने की सलाह दे रहे हैं। उसके बाद देखिएगा, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। नेवर से गुड बाय, कभी अलविदा ना कहना या कभी अलविदा मत कहो। स्टूडेंट्स उसके बाद देखिएगा, स्टूडेंट्स इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी आते हैं। लेट पहले लेट आता है, उसके बाद में उसका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वी वन आएगी, उसके बाद में सेंटेंस में जो भी होता है लिख दिया जाता है। स्टूडेंट्स आप सब जानते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, तो नाउन होगा या फिर प्रनाउन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की है कि अगर यहाँ पर नाउन आता है तो सीधे लिख दिया जाएगा, जैसे लेट के बाद में राम आया हुआ है, सीधा हमने लिख दिया है। लेकिन अगर प्रनाउन आएगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये बात हमें ध्यान रखना है लेट के बाद। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है तो लेट के बाद मी आया हुआ है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है तो लेट के बाद में हिम आया है, ही नहीं आएगा।
तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद स्टूडेंट देखिएगा, अगर लेट वाले सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस होता है, लेट का नेगेटिव सेंटेंस हमें बनाना है, तो वो कैसे बनता है, उसकी फॉर्मेशन क्या होती है। शुरुआत में हम डोंट लगाते हैं, उसके बाद लेट लिखते हैं, फिर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वी वन, और फिर आगे जो भी सेंटेंस में होता है लिख दिया जाता है। इसी सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन एक दूसरे तरीके से भी होती है। सबसे पहले शुरुआत में आप लेट लिख लो, लेट के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर वी वन से पहले आप नॉट का प्रयोग कर लीजिएगा, तो ये भी सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है लेट वाला। तो लेट वाले सेंटेंस नेगेटिव दो तरीके से बनते हैं। एक तरीका तो हमने आपको बताया, यहाँ पर ये वाला तरीका बताया आपको, और दूसरा तरीका ये वाला बताया आपको, दोनों तरीके आने चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि लेट का प्रयोग हम करते कहाँ पर है। बहुत सारे सेंटेंसेस में इस तरह का सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं, इस तरह का भाव मिलता है देखने को कि मुझे जाने दो, मतलब हम अनुमति ले रहे हैं किसी से, हमें ऐसा लगता है कि सामने वाले से हम अनुमति ले रहे हैं। जाने दो, दो का सेंस आता है, मतलब अनुमति दो, मुझे जाने की अनुमति दो। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लेट का प्रयोग करते हैं। लेट मी गो, मुझे जाने दो, मतलब मुझे जाने की अनुमति दो, लेट मी गो। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो, मतलब मुझे बोलने की अनुमति दो। लेट हिम कम, उसे आने दो। अगर यहाँ पर लड़की होती, कोई लेडी होती, तो हम यहाँ पर हिम की जगह हर कर देते। लेट राम सिट हियर, राम को यहाँ बैठने दो। लेट के बाद देखिएगा नाउन आया हुआ है। डोंट लेट हर कुक फूड, उसे खाना मत बनाने दो। ये लेट का नेगेटिव सेंटेंस है, उसे खाना मत बनाने दो। डोंट लेट हर कुक फूड। लेट हर नॉट कुक फूड, यही सेम सेंटेंस इस तरह से भी बनाया जा सकता है। लेट हर नॉट, देखिएगा यहाँ पर कुक के पहले हमने नॉट का प्रयोग किया हुआ है। लेट हर नॉट कुक फूड, इसका मतलब भी सेम ही है कि उसे खाना मत बनाने दो। तो इसी सेंटेंस को हम दोनों तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, बच्चों को शोर मत मचाने दो। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज, बच्चों को शोर मत मचाने दो। और इसी सेंटेंस को हम इस तरह भी बना सकते हैं। लेट द चिल्ड्रन, देखिएगा यहाँ पर मेक अ नॉइज से पहले यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लिया गया है। शुरुआत में डोंट नहीं लगाना है, यहाँ पर नॉट यहाँ पर लग जाएगा वर्ब से पहले। सो लेट द चिल्ड्रन नॉट मेक अ नॉइज, बच्चों को शोर मत मचाने दो। स्टूडेंट्स, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं खुद से और उनकी प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।